हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय हॉबीज़ गार्डनिंग में। और आज मैंने छोटी सी शॉपिंग की है, अगर आपको पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कैसी लगी ये भी बताइएगा। ये मैंने कुछ रोज़ के प्लांट लिए हैं और पेपर फ्लावर के भी दो प्लांट लिए हैं मैंने, ठेले वाले भैया आ गए थे उन्हीं से। और ये मुझे रोज़ का प्लांट, देखिए ये शेड है एक, और ये दोनों एक से ही हैं, एक से ही हैं, पर मैंने ले लिए, मुझे शेड अच्छा लगा। और इसमें देखिए ये मतलब नए नए किले भी आ रहे हैं हर एक पत्ती पर से, तो है तो सिंगल ही पर फिर भी ठीक है, अच्छा है। और ये 50 रुपये के मुझे पड़े, एक प्लांट मेरा 50 रुपये का आया है। और ये वाला फूल जो है झल गया है, ये इस रंग का है, पर्पल सा, और ये अभी खिला नहीं है, डार्क मैरून आएगा इसमें। ये देखिए ये सारे हाइब्रिड वाले हैं, क्योंकि वो कह रहा था ये देसी नहीं है, और ले लिए हैं। अब देखिए अभी इनको रिपोर्ट करना है। और ये तो राइस हस में इन्होंने लगाए हुए हैं, राइस हस मिली नहीं कहीं, नहीं तो मैं भी सोच रही थी राइस हस कहीं मिल जाए तो मैं भी उसमें लगाऊं, लेकिन ये है पता कर रही हूँ कहीं दिखे मिले तो देखते हैं। और ये अभी आपको पेपर फ्लावर भी मैं दिखा रही हूँ, इसमें तो कोई भी किला नहीं है, पर इसका शेड अच्छा था, ये इसलिए मैंने ले लिया। इसका भी शेड बहुत ही डिफरेंट था, इसलिए मैंने ले लिया है। ये यहाँ से आ रहे हैं, ये केले आ जाएंगे अभी, जब अच्छे से इनकी रिपोर्टिंग कर देंगे तो किले आ जाएंगे। इसमें हैं और इसमें हैं, इन दोनों में हैं, इन दोनों में नहीं हैं, पर कोई चिंता की बात नहीं है। मुझे शेड अच्छे लग रहे थे, क्योंकि इस शेड का फूल देखने में मिलता नहीं है, इसलिए ले लिया दोस्तों। और अभी पेपर फ्लावर मैंने अभी उनको मैंने रिपोर्ट किया, वो दिखाती हूँ। ये है पेपर फ्लावर, और वो भैया कह रहे थे कि इसमें पेपर के जैसा फूल आएगा। ये देखिए ये आया हुआ है रेड रेड, और एक ये है, दो लिए हैं मैंने, तो ये नीचे से उनकी जड़ें बाहर थी, तो ये इस तरह से नीचे की लीफ जो येलो हो गई है। जब मैंने ली थी तब तो अच्छी थी, ज़मीन में फर्श पे ये है कि पानी डालो वो बह जाता है, इस वजह से हो गई। ये देखिए अभी तो मैंने किया है, ये गेंदा थे, ये मैंने निकाल के इसी में मैंने इनको रिपोर्ट कर दिया है। किले भी इसमें खूब हैं साइड से ब्रांचेस, तो वो भी जब बड़ी हो जाएंगी तो उसमें भी आएंगे। ये अभी मैंने नहीं हटाया है, ये ठीक चल रहा है अभी। और ये तो मेरा कटिंग से मैंने ऐसे ही कर दिया था, इसमें भी बड्स आ गई हैं। और ये मिर्च के पेड़ और ये गुमफरीना के पेड़ हैं, ये आ गए हैं, मैंने बीज डाल दिया था। और ये वाले भी मिर्च के प्लांट्स मेरे बड़े बड़े हो गए हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, आने वाले के लिए, ताकि नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब गुलदाउदी में भी मेरे पास 5-6 शेड हो जाएंगे तैयार। ये वाला पिंक है, ये मुझे येलो सा कुछ लग रहा है, वाइट या येलो, और ये डार्क में है। और ये देखिए ये वाला लाइट शेड है, और येलो तो है ही हमारे पास, ये अब खिल के बेकार हो गया। और ये एक है, और उसके भी फूल मुझे हटाने हैं, अब वो सूख गए हैं, और इनको मैं रख लूँगी फूल, इसके मैं सुखा भी लिए, और इनकी सबकी कटिंग भी आगे सीजन में लगाने के काम आएगी, तो मेरे पास ढेर सारी वैरायटी हो जाएगी इसकी। चलिए फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय।